बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जो वजीर मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा, मैं उसे तब्दील करूंगा। वजीर आजम इमरान खान का दबंग ऐलान। डिस्कस करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ और अल्लाह मेरे से चाहता है कि मैं अपने मुल्क के कमज़ोर लोगों को ऊपर उठाऊं और यही मेरा मकसद है और यही मेरा मंशूर है। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग आर्डर तब्दील किया है और मैं आगे भी करूंगा। मैं सारे वजीरों को खुला चैलेंज देता हूं कि जो वजीर मेरे मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा, मैं उसे तब्दील कर दूंगा और उसकी जगह ऐसे वजीर को लेकर आऊँगा जो मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क की कौम के लिए फ़ायदा मंद होगा। उनका कहना था कि कप्तान को मैच जीतने के लिए बैटिंग आर्डर भी तब्दील करना पड़ता है। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला केपी के महमूद खान को मुखातिब करते हुए कहा, आप भी अपनी टीम पर नजर रखें, हम अल्लाह को जवाबदेह है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब अल्लाह आपको मुल्क या सूबे का सरबराह बनाता है, वो देखता है। इसलिए हम पर भी जिम्मेदारी आती है कि हम भी मुसलसल अपनी टीम पर नजर रखें और अगर हमारा कोई भी खिलाड़ी ठीक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो उसका बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर देना चाहिए और नए खिलाड़ी लेकर आए। इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से इस वक्त के हुक्मरान को कबायली इलाके का पता था, इस इलाके की रवायतों का, और ना ही वो कबायली इलाके की तारीख को जानता था, लिहाजा जो हमारे कबायली इलाके में हुआ उसके बारे में बाहर के लोगों को नहीं पता, यहाँ कितनी तबाही मची है। मैं मुसलसल इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ, इसमें पाकिस्तानी फौज का कसूर नहीं बल्कि इस हुक्मरान का था जिसने अमेरिका के कहने पर कबायली इलाके में फौज को भेजा, हमारे जवान भी शहीद हुए और कबायली इलाका जात के लोगों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वह बहुत कम लोगों को पता है। लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी, अपने घर बार छोड़ने पड़े, कारोबार छोड़ना पड़ा, तालिब इल्म को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ छोड़नी पड़ी और मैं जानता हूं कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हमारे सारे कबायली इलाकों में क्यों घूम रहा हूं? इसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि अब तमाम तर कबायली इलाकों में अमन सुकून होना चाहिए। कोई पाकिस्तान का वजीर आजम इतने कबायली इलाकों में नहीं गया जितना मैं जा रहा हूँ, क्योंकि किसी और वजीर आजम को ऐसे कबायली इलाके की समझ नहीं जो कि मुझे है, क्योंकि ये मेरी बाप दादा की जायदाद है। नाज़रीन, अगर हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।